परमानेंट एग्जिट, आप निकल जाओ तो निकल ही जाओ, ठीक है। आज जो हम लोग यहाँ पे मिले कर्लो यात्रा के लिए, मेरा तो सेशन लंच के बाद में था, पोस्ट सेशन था। अबाउट कल से हमें फील्ड पे उतरना है, हमें काम करना है फील्ड पे उतर कि मुझे कल से क्या करना है, मला काय करायचं उद्यापासून, उद्या मी एक्झॅक्टली काय करणार आहे। सरांनी जे तुम्हाला समजवलं, समजत आलं तुमच्या? विचारू शकतो प्रश्न? विचारू पक्का? समजलंय ना पूर्ण डोक्यात? बघा मग असं बोलायचं नाही नंतर। तुम्ही एक्झॅक्टली कुठल्या रोल मध्ये बसलात आज इथे? एकांचा जाऊ द्या, आमचे बोरेली वाले हा टेबल शांत। मास्टर फ्रँचायझी, मास्टर फ्रँचायझी। तुम्हाला मला पहिले एक सांगा, फ्रँचायझीचा हा शब्द कोणाकोणाला माहिती आहे आणि कोणाकोणाला नाही माहिती? क्या बात है हर्षलजी, पॉकेट आम्ही पैसे दिले 1 लाख रुपये। हर्षलजी आपसे शुरू करू का, फ्रेंचाइजी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? सर फ्रेंचाइजी मतलब कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसके लिए हम मार्केट में काम करते हैं, उसका ब्रांड लेके सो हमें भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है काम करने के लिए, और कंपनी के गुडविल पे हमारा भी अर्निंग अच्छा होता है, ग्रोथ भी अच्छा हो जाता है। वेरी गुड, आपने एक लाइन अच्छा बोला, कंपनी के गुडविल पे हमारा अर्निंग अच्छा होता है, ठीक है। मैं एक्चुअली, मेरा फील्ड ही ट्रेनिंग का है, मैं बिजनेसमैन लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, और फ्रेंचाइजी ये जो कंसेप्ट है ना, ये गरीबों के लिए बना हुआ, हम गरीबों के लिए बना हुआ। आपको मैकडोनल्ड का स्टोरी मालूम है क्या? मैकडोनल्ड जो फ्रेंचाइजी नेटवर्क आज इंडिया में चल रहा है, किसी को पता है उसका स्टोरी? नहीं पता। एट द एज ऑफ 65 एक आदमी सोचता है कि मला एक बिजनेस घडवायचा आहे नवे, आणि तो काय करतो माहितीये, सर्वांच्या दरवाजाला जाऊन नॉक करतो, टॉक टॉक उघडतो, हा माझा एक डिश आहे ते तुम्ही खा आणि मला सांगा तुम्हाला आवडतोय तर मग आपण बिझनेस करूया। बिझनेस म्हणजे तुझी जागा तुझा सर्व काय आणि प्रोडक्ट माझा, मी आणून देईन प्रोडक्ट, फक्त तू बसून ह्याला काय करायचं विकायचं, मतलब कुक मी करूंगा, बेच दे का तू। एट द एज ऑफ 65 ही वॉज रिजेक्टेड एट 99 हाउस पे वो रिजेक्ट हुआ, लोगों ने बोला सॉरी सॉरी, आणि त्या काळात फ्रेंचाइजी हा पहिला कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस झालेला होता। जब 100 डोर ओपन हुआ ना, उसने खाया, बोला हाउ इट इज नाइस, बोला के लेंगे, तो बोला हाँ लूंगा मैं, तो ही वॉज शॉक्ड के क्यों ले रहा है, तो बोला तूने 99 दरवाजा ठोका ना, मेरे को तेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को तेरे कंसेप्ट में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे को तेरे डेडिकेशन पे इंटरेस्ट है कि तूने 99 डोर पे तुझे क्या हुआ नकारा गया, फिर भी तू मेरे डोर पे आया। बोला हाँ सर, और 100 डोर पे भी नकारा जाता मैं आता, क्योंकि मेरा कंसेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हैंड टू हैंड हम लोग साथ में आवे। और उसने बोला मेरा भी, वैसा वो इंग्लिश वड़ा पाव भेजता है, वैसा वो बोला मेरा भी एक वड़ा पाव का गाड़ी है। लेकिन मैंने क्या सोचा मालूम है, तूने जो फ्रेंचाइजी टर्म यूज किया है ना, इससे मेरे को फायदा होगा। बोला कैसे? बोला तेरा मंचर में वड़ा पाव का गाड़ी लगेगा, मेरा खेड़ में लगेगा, उसका जुन्नर में लगेगा। अब एक आदमी गाड़ी लेके ड्राइव करके जा रहा है, खेड़ जा रहा है, मंचर जा रहा है, आड़े फटे जा रहा है, और हर जगह क्या देख रहा है? मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड। खेड़ वाले का फायदा किधर होता है मालूम है? मंचर में। मंचर वाले का फायदा किधर होता है? जुन्नर में। इसको बोलते हैं नेटवर्क का ताकत। आज मेरा कर्लो यात्रा कम से कम 10,000 लोगों तक पहुंचा, कम से कम इतना पकड़ के चलो, क्योंकि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मेरी ये 23वीं कंपनी है, 22 कंपनी को ऑलरेडी मैंने उस पोजीशन पे लेके आके छोड़ा हूं। लास्ट कंपनी तो आपको भी मालूम है सर, ठीक है, काफी अच्छा, मतलब उधर पे मैंने नेटवर्क खड़ा किया बहुत अच्छा, जो जो मेरे फ्रेंचाइजी ओनर से अच्छे इनकम पे पहुंचे। 6 महीने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हुआ, फिर मैं कर्लो यात्रा में आया। अब हर किसी को मालूम है कि मैं कर्लो यात्रा में काम कर रहा हूं, यानी आज कोई टूरिज्म का एक छोटा सा दुकान लेके बैठा हुआ है। मैंने बहुत लोगों से स्टडी किया है, 6 महीने से मैं इस कंसेप्ट पे स्टडी कर रहा था। एक बंदा एक टूरिज्म का दुकान लेके बैठा हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल अंधेरी में लेके बैठा है, उसको मैंने पूछा
फिर वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सबसे पहले उसने बोला कंपटीशन का प्रॉब्लम, क्योंकि आज हर एक टॉम डिक हैरी ये धंधे में उतर रहे हैं। आज मैं टूर को गया ना, मैं अभी सिक्किम गया था मेरे फैमिली को लेके लास्ट मंथ में। मैं घूमने के आने के बाद में ना मेरे को इतना नॉलेज आया कि मैं सोचा मैं खुद ना पैकेजेस बेच सकता हूँ, क्योंकि वहां होटल से कॉन्टेक्ट हो गया मेरा। अरे किधी गए दूसरे, पैकेज का है? हाँ हाँ हाँ, टिक टिक टिक, तैसा नंबर तैसा है, गाड़ी वाले ने विचार ला, है केला, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। मैं आके मैं क्या हो गया, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन आने के बाद में सबसे पहला मेरे को प्रॉब्लम आता है ब्रांड का। वो बोल रहा है मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री में, उसने अपना फ्रेंचाइजी लिया, पहला तो उसने क्रॉस किया सर मैं 15 साल से और आज आप आए। बोला जिसने कंसेप्ट निकाला वो भी 15-16 साल पुराना है, तो बोले मैं क्यों आपके साथ काम करूं, मेरा खुद का एक ब्रांड है। बोले यस सर, माना मैंने आपका ब्रांड है, बहुत अच्छी बात है, यू आर इन अ ब्रांड। लेकिन हम लोग एक एक मिलके अगर हाथ पकड़ेंगे ना, अगर ये मेरा 100 फ्रेंचाइजी होगा ना, तो मेरा 100 जगह पे बोर्ड देखेगा। मैं एक एड छोड़ूंगा ना, मेरा 100 लोगों को बेनिफिट होगा। मेरा एक क्लाइंट निकलेगा ना, तो 100 लोगों को बेनिफिट करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं फ्रेंचाइजी को समझना बहुत जरूरी है कि फ्रेंचाइजी एक्चुअली होता क्या है। मैं यहां से निकलू, वो मेरे साथ 15 साल मेरे को बोल रहा है सर मेरे को ये बताइए, ठीक है आपका कंपनी उद्योग गुरु है, आप बिजनेसमैन लोग को ट्रेन करते हैं, मैं इस फील्ड में 15 साल से आप मुझे क्या ट्रेन करोगे। आपको पता बिजनेस में क्या ट्रेनिंग लेना जरूरी है अगर आप एक बिजनेसमैन हो। यहां कितने लोग बिजनेसमैन हैं? 1, 2, 3। सर मैं आपसे सवाल करूंगा, एक बिजनेसमैन को बिजनेस चलाने के लिए क्या चीज फॉलो करना चाहिए? अगर आप एक बिजनेस चलाते, कोई ऐसा है सर हम लोग मार्क्स वक्स नहीं देंगे, कुछ भी बोलने का, बिजनेस चलाने के लिए उसको क्या फॉलो करना चाहिए, मतलब क्या चीज फॉलो करना चाहिए तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। रॉ मटेरियल होना चाहिए आपके पास। वेरी गुड। और उसके पास आप में वो एबिलिटी भी होनी चाहिए जो उनको कन्विंस करे। वेरी नाइस। सेकंड आपको उसको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। परफेक्ट। सर आप अनिल अंबानी से मिले? बिलीव मी, ना उसके पास रॉ मटेरियल है, ना उसके पास प्रोडक्ट नॉलेज है कि मैं कौन सा धंधा चला रहा हूं, लेकिन उसके पास एक ही चीज है जो मैंने देखा एक धंधे गुरु के पास होना चाहिए, वो है सिस्टम, जो उसके बाप ने लगा के गया सिस्टम। जिसके पास सिस्टम है ना, वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। जिसके पास स्ट्रैटेजी है ना, वही सक्सेसफुल है। और आज जो मेरा भी एक डेढ़ घंटे का मेरा इसके बाद में होने वाला है ना, वो सिर्फ हम लोग सिस्टम के ऊपर ही बात करने वाले हैं। काम करना कैसे, देखो आप डिफरेंट फील्ड से आए रहेंगे, लेकिन आज हम लोग करलो यात्रा के बैनर के अंडर में आए, हम लोग आज एक करलो यात्रा के ऊपर बात करने आए, ठीक है। तो हम लोग यहां से जब जाएंगे अपना काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। मेरा एक ही टारगेट रहेगा, मेरा बैठा हुआ हर फ्रेंचाइजी आने वाले नेक्स्ट मंथ में ट्रेनिंग में हर एक मास्टर फ्रेंचाइजी होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, उसके पास में 20 उद्योजक होने चाहिए, मंजे ऑर्गेनाइजर। भाई अकेला कुछ नहीं होता, नेटवर्क का जमाना है, 20 उद्योजक। अच्छा उसके लिए आपको क्या करना है सर, अगर आपको 20 उद्योजक बनाना है तो आपको क्या करना है, क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे को बुलाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो आज भी बुला रहा हूं। वो भी आज भी बुला रहे हैं और आज भी हम लोग काम कर रहे हैं, यही सिस्टम है। मैंने हर कोई फ्रेंचाइजिंग कंपनी में डेवलपमेंट के लिए गया ना, एक बंदा मुझे मिला, मैंने उसको MBA में पढ़ाया था, उस लड़के को रिलायंस में मैं पढ़ाता था, मेरा मार्केटिंग सब्जेक्ट था, उसको MBA में पढ़ाया मैंने, और वो बाप की दुकान पे बैठने लग गया, सोना चांदी का व्यापारी बन गया। एक कंपनी ने 2012 को एक फ्रेंचाइजी नेटवर्क निकाला, 10 लाख रुपए का फ्रेंचाइजी दे रहा था, सोने चांदी की दुकान,
खाली बोर्ड लगाने का और 10 लाख रुपया दो, हमारा नाम हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। उसको जैसे ही पता चला कि मुझे हायर किया गया है फ्रेंचाइजी को ट्रेनिंग के लिए, उसने 10 लाख रुपए का चेक फाड़ा। लेकिन उसका काम कुछ डिफरेंट था, दे वर लाइक वो कुछ स्पेशल ऑर्नामेंट्स बनाते थे, तो उनको सबसे पहले ट्रेन किया गया। मेरे साथ में 10 मीटिंग चलाओ मेरे साथ में, और 11वीं मीटिंग बिलीव करो मुझे उसने खुद ने हैंडल कर लिया। सेम ऐसा ही है हम लोग, मैं अपने फील्ड का स्पेशलाइज हूं, आप अपने फील्ड के स्पेशलाइज हो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए ना, इतना परफेक्ट होना चाहिए दोनों का कॉम्बिनेशन कि हम लोग एक ऐसा मॉडल बनाएंगे कि आने वाले मन से आप लोग सक्सेसफुल लोगों में गिने जाएंगे। और जो मेरा आज मैं बताने वाला हूं वो इंडक्शन ट्रेनिंग है। एग्जैक्टली इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब है मार्केटिंग कैसा करने का। किसको पता है मार्केटिंग कैसा करते हैं? किसी को पता है मार्केटिंग कैसे? आपको पता है? यार हॉल में एक मानस हाथ उछलते हैं, तुला नहीं महती मार्केटिंग कैसे करायचे? चला ठीक है मी शिकवीन, तुला माहिती आहे? नहीं। तुला माहिती आहे? नहीं। सर आपको कैसे करते हैं मार्केटिंग? मार्केटिंग का पहले हमको मतलब बताइए कि मार्केटिंग, सर आप बताइए, आप बड़ा रिलैक्स में बैठे हो, वाला कौन का विचारत नहीं है। हाँ, मार्केटिंग कैसे करता? अपना प्रोडक्ट सांगल लगा ना मार्केट में बेटा, उसको सेल्समैन बोलते हैं। आपको सेल्समैन नहीं बनाना है मेरे को। मार्केटिंग का मैं आपको परिभाषा बताता हूँ जो मैं लोगों को सिखाता हूँ। कभी आप बॉम्बे गए बस में बैठे हो? बैठ भी गए बस में, अरे बाप रे, बड़ा चैलेंज होता है बस में बैठना। पहला चैलेंज होता है बस में चढ़ना, वो भी एक पैर से है पहले। दूसरा चैलेंज दूसरा पैर का जगह ढूंढना, ठीक है? फिर सीट को टेका लगा के खड़ा रहना, और फाइनली सीट पे बैठना। सेम मार्केटिंग है ये चीज, यही मैं सिखाऊंगा आज कि पहला पैर कैसा रखने का, दूसरा पैर टेका कसा लावायचा, नहीं बसायचा कसा। सेल्समैनशिप इज अ वन टाइम प्रोसेस है, एक बार बेचो निकलो, बट मार्केटिंग इज अ लाइफ टाइम प्रोसेस। आज हमने बेचा ना, ये गिरा कम से कभी टूटना नहीं चाहिए। मैंने करलो यात्रा क्यों ज्वाइन किया पता है? हमारा काशी यात्रा फर्स्ट एंड लास्ट टूर नहीं रहेगा, हमारा काशी यात्रा फर्स्ट टूर रहेगा जो इनकरेज करेगा बैंक ऑफ पटाया तक लेके जाने के लिए। ये हमारा टारगेट है। हम बड़े बड़े कंपनी, मुझे दूसरी कंपनी का नाम नहीं लेना है स्टेज पे, हमको उनके मार्केट को तोड़ना है, इसलिए हम लोग 18% मार्जिन पे जा रहे हैं। कितना टक्का मार्जिन? 18% खुला, सब ट्रांसपेरेंट सर, सब ट्रांसपेरेंट है, ठीक है? आपका एक बहुत अच्छा डाउट आया था सर, ये चीज मैं आपको फेसबुक के बारे में भी बताने वाला। पेंगजू का नाम सुना आपने? पेंगजू, मैंने उसका ट्रेनिंग अटेंड किया था, 47,500 रुपीज का ट्रेनिंग, ताज में ट्रेनिंग लिया था उसने। आई वॉज द वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ हिज, उसका उम्र है 19 साल, पेंगजू का उम्र है 19 साल, और वो 4 घंटा ट्रेनिंग लेके यही सिखाया कि फेसबुक मार्केटिंग करते कैसे। और इतना मेरे को इंपैक्टफुल हुआ वो मैं आप लोगों को देने वाला हूं। 47,500 मैंने भरा सिर्फ वो एक ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि बॉस क्या है मालूम है, मैंने इधर पे कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने जो ध्यान दिया ना इधर ही दिया, और वो मेरा सक्सेस दिखता है आज, वो मेरा सक्सेस है। जिसने यहां ध्यान दिया ना वही आगे बढ़ेगा। और कंपनी ने भी यही सोचा उद्योग गुरु के माध्यम से हमारे ये लोगों का ये मेंटालिटी बढ़ाने का। तो मार्केटिंग का जो परिभाषा है ना, ये वो परिभाषा है कि हमको 18% बिजनेस पे जाना है। 18% बिजनेस का जो मार्जिन है हमारा वो कम नहीं है, क्योंकि हमें कंपनी को कितना मिलने वाला, 5% फाइनल है। 12% बटेगा, आधा टक्का फिर आधा टक्का है, ऐसा करते 13% कंपनी बांट रही, 5% का मार्जिन कंपनी के पास बचता है। लेकिन अगर मैं हर महीना 1,000 लोग काशी यात्रा में बेच रहा हूं, 100-200 लोग मेरा बैंकॉक पटाया जा रहे हैं, अमरनाथ जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे लोगों का मेडिटेशन कैंप है मेरे, तो मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, अनबिलीवेबल बिजनेस है। और मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ, मेरा बैठा हुआ हर एक बंदा है ना, अपने जीवना से अरेंजमेंट झाला, मला मेसेज आला 10 मिनट, एक लास्ट क्लोज करून पण निघूया। माझ्या हिशोबाने उद्योजक तो आहे जो सुट्टीला जातो ना तो सुट्टीच मनवतो,
जो छुट्टी को जाता है ना उसको टेंशन नहीं रहना चाहिए मेरा दुकान खुला पड़ा हुआ है यार मैं जाएगा, और वो बीवी बच्चों पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। सीरियसली ही इज नॉट अ बिजनेसमैन। आजकल एड भी आता है पंखा पंखा तनख्वाह तनख्वाह, अरे बाबा तू छुट्टी लगे लगता मतलब तू धंधे धंधे करो इसके, तू दूसरा चेक साइन करना, तू तुझे लोकांना पैसे पाठवणार। सॉरी ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, ही इज अ लेबर। आई कॉल दैट पर्सन एज अ लेबर। इफ यू आर अ बिजनेसमैन यू शुड फ्री एन्जॉयबल, तुम्ही मस्ती करा, काम तुमचे दुसरे लोक करतील। अरे अनिल अंबानी मुकेश अंबानी मॉर्निंगला 45 मिनिट मेडिटेशन करतात, काय करतात, करोडो रुपये कमवणारी माणसं मेडिटेशन करतात, आणि 20,000 रुपये कमवणारा माणूस बोलतो माझ्याकडे टाइम नाही आहे। इसको बोलो ना जिम जाओ आधा घंटा, जिम जाओ आधा घंटा। जिम बहुत जरूरी है, हर एक इंसान को करना चाहिए। गौड़ी साहब तुम्हें ज्वाइन करा, हर एक इंसान को करना चाहिए, लेकिन हमारे को उसके लिए एक्सक्यूज है, नहीं यार मेरे पास में टाइम नहीं है चीज का। लेकिन बड़े करोड़पति मल्टी बिलियनियर इंडिया को चलाने वाले लोग जो इकोनॉमी को चलाते हैं आज की तारीख में, वो 45 मिनट्स मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, वो रियल बिजनेसमैन है। क्या मेरे को हक नहीं वैसा बिजनेसमैन बनने का? हाँ सर, नहीं बनना है वैसे, और उसी के लिए आज हम लोग यहां मिले। और जो मेरा ये 1.5 घंटे का सेशन होगा आप लोग को लेके, किस चीज का, वो जो मैं 1.5 घंटे में आप लोग को बोलने वाला हूं, सीरियसली, फिर आप लोग सोचोगे मैं कर क्या रहा था और मुझे करना क्या है। यही कर लो यात्रा का, क्योंकि कल ही आप लोग मेरे एक एक स्टार हो, ठीक है। तो अभी हम लोग एक लंच ब्रेक लेते हैं, मुझे लंच के बाद में अगर आपसे एक डिटेल मिलेगी कि मैं कर लो यात्रा में क्यों आया हूं, मुझे महीने का इनकम कितना कमाना है और मैं कितना घंटा काम डिवोट कर सकता, ऐसा मत लिखना कि महीने का मेरे को 10 लाख कमाने का, नहीं दूसरा में एक तास दे। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि गन्ने का आपने रस निकलते हुए देखा है, कैसे निकलते हैं, बड़ी तकलीफ से निकलता है बॉस, ठीक है। उसको क्या करना पड़ता है, गन्ने को मशीन में डालना पड़ता है, तो मशीन में से क्या होता है, रस निकलता है, फिर वो कोशिश हमारे मुंबई में ना निकलने के बाद में भी डालते उसको, थोड़ा देर निकल तो परंतु थोड़ा बर्फ पन का निकल, तो मतलब वो उनका थोड़ा टैक्टिक्स रहता है। तो आप लोग जितना मुझे अर्निंग बोलोगे, देखो एज अ कंपनी का डेवलपमेंट का पार्ट मेरे हाथ में जो सौंपा गया है, मैं बहुत ईमानदारी से निभाऊंगा। अगर आप मुझे बोलोगे ना सर मतलब महीने 1 लाख रुपए कमाए चाहिए, आई प्रोमिस यू आपका 1 लाख रुपए का चेक निकलेगा, लेकिन वो हंटर खाने के लिए तैयार रहने का, वो रिपोर्टिंग के लिए तैयार रहने का, वो फॉलोअप के लिए तैयार रहने का। मैं आपको तैयार करूंगा, आई विल बी योर आचार्यकर एंड यू शुड बी माय टेंडुलकर, ठीक है। तो हम लोग लंच ब्रेक लेते हैं, लंच ब्रेक के बाद में बहुत अच्छा सेशन चलेगा, वेबसाइट का भी हो जाएगा और अपना ट्रेनिंग भी। थैंक यू सो मच।